वही पैच प्लेस जिन्होंने ना आज मेरे घर से बहुत सारे डायमंड चुरा लिए हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही वेस बताने वाली हूँ कि मैं कैसे मेरे भाई से सारे के सारे डायमंड्स वापस लेती हूँ। तो गाइस मैं ना यहाँ पे छुपी हुई हूँ और पीछे आप देख सकते हो पार्थ भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। आ जाओ यार, ये क्या मास्क पहन के रखा है इन्होंने, इनकी ना इनकी हरकतें यही समझे, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। तो एक काम करती हूँ, चुपके से ना ये घर के ऊपर चली जाती हूँ, मैं बस पेड़ पे चढ़ी हुई ताकि इनके नजर रख सकूं। A few moments later. रामू काका कैसा है रे? अरे तूने भी मेरा चश्मा पहन लिया? अरे भाई रामू काका यार कोई ना। अच्छा सुनो, ये लोगो भाई ये इतने सारे डायमंड लेके आया मैं, ठीक है? आई मीन एक काम करा, ऐसे डायमंड फेंकना अच्छा नहीं लगता, इधर चेस्ट है आपके, चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है? ये पिंकी शिप है पूरा, इनकी पूरी जायदाद बढ़ाओ, What did he say? खाना दो इनको, ठीक है? और ये फार्म और एक्सपांड करो, ठीक है? आपके ऊपर मैंने सब रखा है भाई, आपके ऊपर ट्रस्ट है मेरा। एंड हाँ यार, थोड़े डायमंड बचा के रखना यार, वापस देने को घर पे खाना नहीं मिलता है। ओके, वो दीदी तो पता है ना आपको कैसी यार, चुड़ैल जैसे करती है मेरे साथ, पता है ना, खाना देती नहीं है, खाना बनाती भी है तो। ओके रामू काका, तो भाई इधर आपके डायमंड रख दिया, चलो फिर आता हूँ मैं, ठीक है? मिलते रहना, बाय बाय। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि पार्थ भाई ने ना वहाँ पे जो हमारे रामू दिख रहे हैं ना, रामू काका, उनको दिए बहुत सारे डायमंड, यानी कि उनके घर के चेस्ट में रख दिए। और अगर मैं डायरेक्टली उनके घर के अंदर जाने का ट्राई करूंगी ना, तो पता है आप लोगों की क्या होने वाला है, मेरे को ना बहुत ज्यादा पिटाई बजने वाली है उनके थ्रू। लेकिन अगर मैं उनको बिजी कर दूं कहीं पे एंड देन मैं उनके घर पे एंटर करूं तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन उनको बिजी करने का ना मेरे को शायद से बस एक ही चीज है, कुछ नहीं रामू काका, मैं बस देखो ये कितने चालाक है, मैं थोड़ी सी भी पास में ना तो वो पलट गए। तो मैंने ये चीज सुनी है कि रामू काका को ना ब्लू कलर नहीं पसंद है, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, इनके शीप्स को मैं कर देने वाली हूँ ब्लू कलर, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। रुको, काम करते हैं, पहले तो फटाफट से ब्लू कलर के यहाँ पे मेरे को ना वो चाहिए होंगे फ्लावर्स, ब्लू डाई, ओके वो रहे ब्लू फ्लावर्स। काम करते हैं फटाफट से, पहले तो ब्लू फ्लावर्स के पास जाते हैं, उसकी डाई कन्वर्ट करके इनके ना शीप्स को कलर कर देते हैं, लेट्स गो। Much later. ओके सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ब्लू डाई तो यहाँ पे ना कर लिया कलेक्ट, लेकिन रामू काका को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है मुझे ये चीज नहीं पता। मगर क्यों? अच्छा ये पीछे देख रहे, देखो पीछे देख रहे। तो अभी काम करते हैं, मैं फटाफट ना यहाँ पे चुपके से आती हूँ एंड इनकी सारी शीप्स को मैं ना कलर कर देती हूँ यहाँ पे। हेलो हेलो रामू काका, कैसे हो, क्या हाल चाल? अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या? ठीक है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेट्स गो एंड लेट्स गो। ओके सो अभी यहाँ से भागते हम लोग। गाइस मैंने मेन चीज तो कर ली, अभी बस रिएक्शन टाइम देखना है मेरे को कि ये कब इनको वापस नॉर्मल कलर करना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. अभी ना मेरे दिमाग में एक प्लान है गाइस, अरे क्या हो रहा है ये, मैं झाड़ में क्यों अटक गई मेरे को, हाँ अब बेटर है। मैं क्या करती हूँ ना, इनके घर को ना मैं पीछे से जाती हूँ पूरा घूम के, यार ये इनके घर के तरफ इनके, अच्छा अच्छा घूमे पूरा पीछे। अभी तो ये वहाँ पे देख रहे, तो अभी तो मैं आगे से भी एंट्री ले सकती हूँ, मैं बस यहाँ पे भाग के इनके घर के अंदर जाती हूँ, सारे के सारे डायमंड निकाल के आती हूँ, लेट्स गो। एंड यहाँ पे हम लोग गए, सारे के सारे डायमंड मिल गए मेरे को, लेट्स गो। मतलब ठीक है सारे के सारे डायमंड्स मिल गए इनके घर के, लेकिन रुको मुझे पहले सेफ जगह पे जाने दो। देखो ठीक है मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं, लेकिन मेरे ना और ज़्यादा डायमंड्स थे, तो मतलब इन्होंने ना बहुत कम डायमंड्स दिए रामू काका को, तो ये डायमंड्स हम लोग रख लेते हैं मेरी इन्वेंट्री में। और अभी ना एक काम करते हैं, हम लोग सेकेंड वे में कैसे चुराने वाले हैं पांच बजे डायमंड्स। Much later. So, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले ना, तो नेक्स्ट मैंने ना कुछ इस तरीके की चीज प्लान किया कि ना पार्थ भाई के घर पे आप देख सकते हो ये पीछे वाला जो घर है ना, ये ना पार्थ भाई का है, एंड यहाँ पे ना विलेजर्स वगैरह ना काफी लोग होते हैं, ये देखो पीछे विलेजर है, यहाँ पे भी कुछ है, तो मतलब इनके घर पे ना विलेजर्स आते जाते रहते हैं काफी बार। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना एक विलेजर में टर्न आउट हो जाती हूँ फटाफट। सो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे ना विलेजर में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, एंड जैसा कि आप देख सकते हो पार्थ भाई को ना बिल्कुल भी शक नहीं होने वाला है, और ऊपर से उनके घर में ना हमेशा ना एकदम ढेरों की तादाद में विलेजर घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों विलेजर का स्पॉट बन गया है वो, मेरे को तो लगता है। लेकिन ठीक है अभी जाते हैं उनके घर पे, देखते हैं कुछ चक होता है या नहीं, लेट्स गो। इससे खड़खड़ हां कौन है टकला क्या रे? हां इसकी आवाज ऐसी इंसानी जैसे की है। चल चल पासवर्ड बता मेरे घर के अंदर घुसने का, सब वो जिससे वो विलेजर पता है। यार ये आ रही है यार, अच्छा 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 तारक मेहता देखेगा, ये ले तारक मेहता बता दे, कुछ करने का ट्राई करती हूँ, कुछ भी कैसे कर रही हूँ मैं, शक ना हो इनको बस। हाँ हाँ हाँ
चलो भाई व्हाट द हेल, ठीक मैंने रैंडमली चेस्ट ओपन कर यार, ये पैरल पे डायमंड्स देखो भाई साहब, इतने सारे डायमंड्स इनके पास, ये बस नीचे चले जाए मैं तो सारे डायमंड्स लेके भाग रही हूँ, इनको शक भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इनके घर पे तो विलेजर्स आते रहते, तो किन पे शक करेंगे वो, लेट गो। पहले ये वाले ना ऊपर से थी इन्वेंटरी में, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, लेकिन एक सेकंड कोविड का साइड इज हां ओके okay, यार ये एम परफेक्ट नहीं लग रहा। चलो ठीक है ओके कोई मेरी एक सेकंड के लिए मैं जो डर गई थी ना यार कि मेरे को इनको पता लग गया कि ये मैं हूँ और ये मेरे को मारने वाले थे, लेकिन ठीक है यहाँ से मैं भाग चलती हूँ, लेट्स गो लेट्स गो भागो यहाँ से, मैं आज मेरे से तो कुछ मत बताइए ठीक है, लेट्स गो भागो 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 यहाँ से, इनको पता भी नहीं चला कि मैंने इनके इतने सारे डायमंड चोरी कर लिए। A few moments later. So guys, अभी मेरा next plan क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे ना ये चीज कहीं से उड़ती उड़ती खबर मैंने पकड़ी है कि पार्थ भाई के पास ना एकदम खतरनाक वाला क्रॉसबो है, जो मेरे पीछे खड़े हुए ना उनके पास, उनके घर में ना एकदम खतरनाक वाला क्रॉसबो है, तो मैं बस क्या करने वाली हूँ ना कि वो क्रॉसबो चुराने वाली हूँ और उन्हीं को बेचने वाली हूँ, और वो कैसे ना वो आप देखते रहो। सो मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं टर्न होने वाली हूँ इंटू अ स्मॉल छोटी सी प्यारी सी कैट, एंड अभी बस मेरे को वेट करना है पार्थ भाई ये घर से बाहर निकलने का, वो तो मेरे को नोटिस करेंगे भी नहीं क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज्यादा छोटी है। ऑलराइट गाइस चलो भाई जल्दी से चलते हैं, गेट खुला है, चलो भाई कुछ सामान लेके आते हैं, लेट्स गो। सो गाइस जैसे कि आपने देखा पार्थ भाई तो जा चुके हैं, हम लोग फटाफट से एंटर करते हैं उनका घर यहाँ पे, एंड लेट्स गो। अभी मेरे को बस चेक करने ऊपर के बैरल्स में तो कुछ नहीं था जितना मैंने देखा, अभी यहाँ पे बैरल्स लगे हुए हैं, मुझे बस यही बैरल्स को चेक करना है, पता नहीं किस में रखी होगी। एक सेकेंड मेरे को मिल चुकी है ये क्रॉसबो, लेट्स गो। अभी काम करना है, बस अभी मेरे को जाना है एंड बस इनके आने का वेट करना है, ये जैसे ही आएंगे ना मैं एक रैंडम्स की स्किन लगा के ना एकदम लाइक ऐसा ट्रेडर बन के जाऊंगी इनके पास और ये ट्रेड करके आऊंगी, लेट्स गो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ एक खतरनाक वाले विलेजर में, जिसके साथ क्या हो रहा है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। एक सेकंड सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं वेट कर रही हूं यहां पे पार्थ भाई का, जैसे ही वो आते हैं उनको स्कैम करते हैं भाई, लेट्स गो। गाड़ी आ गई अपनी, एयर ट्रेलर आराम से आराम से आराम से, यार अब ये पार्किंग के अंदर तो नहीं घुसेगी, इतनी बड़ी गाड़ी जो बना दी मैंने, लगा देता इधर विलेजर, ओए विलेजर क्रॉसबो ले लो क्रॉसबो, जिसके किसी को पता नहीं होगा ऐसा एकदम खतरनाक वाला क्रॉसबो ले लो। अरे अरे गोल्डन चश्मे वाले भाई इधर आओ इधर, हां साहब बोलो भाई क्या हो गया, अरे क्या बेच रहे हो आप यार? अरे भाई आपको पता नहीं है मैं ऐसा क्रॉसबो बेच रहा हूँ जो ना एकदम खतरनाक वाला क्रॉसबो है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। अरे अरे दिखाओ यार ऐसा कौन सा कर, दिखाओ जरा, दिखा नहीं सकते पहले तो हम, आप पहले पैसा लेके आओ, 16 स्टैक डायमंड चाहिए, 16 स्टैक ठीक है यार, अभी मैं डायमंड लेके आया था वैसे, ओके चलो निकाल लेते, इतना सा दिन से क्या जा रहा है भाई, बहुत पैसा है मेरे पास भाई, लेकिन यार ये डायमंड तो मांग रहा है, एक सेकंड मेरे पास भी तो यार दुनिया का सबसे तगड़ा वाला क्रॉस बो है ना, एक सेकंड में देखता हूँ यार इसके अंदर, अबे किधर गया, अरे यार इधर किधर तो रखा था भाई, अबे नोबिस भाई ये भी चोरी हो गया क्या, ओह शिट भाई अभी ये किधर गया, ओबे भाई ओबे नो यार भाई, अरे यार अबे क्या करूँ भाई, ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, उस टकले विलेजर से खरीदना पड़ेगा मेरे को, क्या खा गए सर, हेलो, अरे 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 सुनो ना भैया दे दो यार वो दे दो यार, मैं डायमंड लेके आया, पहले पहले ना मेरे को पहले 8 स्टैक डायमंड दो उसके बाद वापस दूंगा मैं, 8 स्टैक लो भैया, एक ये दो ये तीन ये चार ये पाँच ये छह ये सात ये आठ, हाँ ठीक है ये लो क्रॉसबो, अभी बाकी के 8 दे दो, आ, 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 पक्का देने नहीं दोगे तो मेरे को मैं ही नहीं बताऊंगा कि इसको चलाते कैसे हैं, ओके 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 ऐसा मजाक कर रहा था ऐसे ऐसे करते जाए, यला भाई यला यला यला, थैंक यू, इसको इधर ही रहने देना, मैं अपने वहां पे चेस्ट में रख के आता हूं सारे डायमंड्स तब तक, आपको अभी जो करना है करो भाई, विलेज से छोड़ के जाना है विलेज छोड़ के चले जाओ भाई, आई डोंट केयर गाइस मेरे को इतने सारे डायमंड्स मिल चुके हैं यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो, और मेरी पूरी इन्वेंटरी फिल हो चुकी है, काम करना पड़ेगा कि मेरे को ना ये सारे डायमंड्स जो है ना वो छुपा के रखने पड़ेंगे कहीं पे, लेकिन तब तक के लिए लेट्स गो, अभी नेक्स्ट वीक हम लोग ट्राई करते हैं जो डायमंड चुराने का, आ जाओ गाइस। यार मैं ना इनका पीछा कर रही हूँ कितने टाइम से, मैं नोटिस कर रही थी कि ये कहीं पे तो भी जा रहा है, तो मैं इनका पीछा करने लग गई है, एंड ये देखो ये कहाँ पे कौन सी जगह पे लेके आ गए यहाँ पे मेरे को, लेकिन ये जा कहाँ पे रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा पास में यहाँ पे जाके देखती हूँ इनको पता ना लगे, बस
अरे नहीं 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 ओके 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 ओके, कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं गाइस, ये कितना चलते कहाँ जाते रहते हैं ये पता ही नहीं चलता। ये क्या करते हैं? व्हाट द हेल, एक सेकेंड, ये कहाँ गए? हेलो एक्सक्यूज मी, ये अभी यहाँ पर ही थे, ये यहाँ से कहाँ पे चले गई है? ओए गायो, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि कहाँ पे गई है? कहाँ गई यार ये, एक सेकेंड भाई। ए ब्रो व्हाट द हेल, ये कहाँ पे आ चुकी हूँ मैं? डोंट टेल मी कि ये पार्थ भाई का एक और बेस है भाई। यार ये कितने सीक्रेट बेस बना के रखते हैं यार, मेरे को लगा ही था कि इनका सीक्रेट बेस होगा यहाँ पे कहीं पे ना हो वो, बस मेरे को दिख तो नहीं रहे वो यहाँ पे कहीं पे हो। तो ठीक है यार, एक काम करती हूँ मैं इस बेस को ना फटाफट से चेक करती हूँ कि यहाँ पे कहीं पे तो भी मेरे को अगर डायमंड्स मिल रहे हैं ना तो फटाफट से ले लेते हैं। यहाँ पे तो कहीं पे भी डायमंड्स नहीं है, एंड यहाँ पे भी नहीं है, 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 कहाँ पे रखे हैं ना छुपा के? गाइस यार मैंने सारे चेस देख लिए ऑलमोस्ट, अभी एक ही जगह बाकी है वो है ये वाली जगह। तो ये साइड वाले तो देख लिए मैंने, लेकिन ये सारी जगह बाकी है मेरे को देखने के लिए, तो फटाफट से ये वाली भी चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे बहुत सारे डायमंड मिल गए, लेट्स गो, डायमंड। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एक काम करते हैं, अभी पार्थ भी आए ना उससे पहले हम लोग ऊपर चले जाते हैं, अगर वो आ गए ना तो हमारी लंका लगनी बाकी है। ऑलराइट लेट्स गो भाई, चलो यार उधर काम तो हो गया। अभी एक काम करता हूँ, मैं इधर चलता हूँ। यार इधर भी तो नहीं कुछ, चल डायमंड ही देख लेते हैं, अपने डायमंड सेफ है कि नहीं है। ओ वो अबे डायमंड किधर है भाई, व्हाट अबे ये क्या सी, हेलो अबे डायमंड किधर गया? हश भाई इजी एस्के, अबे यार किधर है भाई? ओ भाई यहां से भागो यार, यहां पे कहीं पे भागने की जगह तो होगी यहाँ से। एक तो अच्छा ये वाली एक जगह है जहाँ से हम लोग शायद से भाग सकते हैं। रुको 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 रुको, मुझे लगता है कि मुझे ना ऊपर जाके ट्राई करना चाहिए। यार ये यहाँ पे एक तो ये लैंटर्न वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने, पता नहीं यहाँ से एस्केप कैसे करूँ मैं। ओके सो गाइस यहाँ पे मुझको बाहर निकलने का ना जगह मिल चुकी है, तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बाहर, एंड हम लोगों ने एस्केप फिर से कर लिया है विदाउट पकड़े जाने के लिए, मतलब हाँ विदाउट पकड़े गए। ठीक है हम लोगों ने एस्केप कर लिया यहाँ पे फटाफट से, एंड ऊपर से हम लोगों को बहुत सारा डायमंड मिल चुके हैं, लेट्स गो। ये देखो तभी काम करते हैं, अभी हम लोग ना दूसरे वे पे चलते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या करने वाली हूँ। ओके सो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे मैंशन के पास में, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एक चीज पता लग गया कि पार्ट वन ने ना इस मैंशन में भी काफी ज्यादा ना डायमंड्स वगैरह छुपा रखे हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो ये मैंशन में जाते हैं। मेरे को एक चीज का डर लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज वगैरह थे, कि यहाँ पे तो है नहीं फिलहाल के लिए। सो मुझे ना ये चीज़ पता लगी है कहीं से तो भी कि पार्थ भाई ने ना इस मैंशन में भी बहुत सारे डायमंड्स वगैरह छुपा रखे हैं, एंड यहाँ पे शायद हम लोगों को वेपन्स भी मिल सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं ना यहाँ पे कहीं पे ऐसे ढूंढ सकूँ वो सारी चीज़ें, एंड मुझे एक लोकेशन तो एग्जैक्ट वाली पता है, लेकिन दो लोकेशन मुझे बताई गई थी कि दो जगह पे छुपा हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे ओके सो यहाँ पे मेरे को चेस्ट मिली है, एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है यार, गोल्डन एप्पल वगैरह ही है। ठीक है ये तो नॉर्मल लूट है यहाँ की, एंड बाकी सारे रूम्स भी चेक करते हैं हम लोग फटाफट से, क्योंकि जितना मैंने सुना है ना यहाँ पे एक और सेम ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत सारे वेपन्स भी हैं। एंड आई डोंट नो ये रूमर कितना सही है कितना झूठ है, लेकिन मैंने तो सुना है तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि यहाँ पे ये जगह है, एंड यहाँ पे नेम टैग और एनचेंटेड। व्हाट द हेल, एक्चुअली में यहाँ पे वेपन है ब्रो? व्हाट, और ये कितना स्टाइलिश वेपन है, इसके एनिमेशन देखो यार कितनी सही है ब्रो। ओके मतलब यहाँ पे बहुत सारे ये है। ठीक है यहाँ पे तो मैं बाद में चेक करती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ना एक चीज चेक कर लेती हूँ फटाफट से, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ऊपर वाला है। एंड इसके बाद मुझे एक चीज़ पता है कि डायमंड्स कहाँ पे रखे हुए, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो हम लोग पहले वो वाली लोकेशन पे चलते हैं। ओके सो वो लोकेशन थी ये वाली जहाँ पे ना पिलेजर का फेस बना हुआ है, तो यहाँ पे ना शायद से हम लोगों को जाना है यहाँ पर और इसको पूरा सा माइन कर देना। रुको मैं पहले हाथ से कर लेती हूँ माइन, क्योंकि हम लोगों को ये जो हमारी क्या बोलते हैं एक्सेस को वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से जाते हैं, लेट्स सी। अरे यार ये भी खोलना पड़ेगा ब्रो, व्हाट भाई यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स हैं, एंड एक्चुअल में यहाँ पे पार्थ भाई ने डायमंड छुपा के रखे थे, मुझे जेन्युइनली ये चीज़ नहीं, मतलब इतने ज़्यादा डायमंड छुपा रखे थे ये तो मुझे नहीं पता था। तो एक काम करते हैं अभी फटाफट से बाकी का जो मैंशन है वो सारी चीज़ें मैं छान मारती हूँ, एंड उसके बाद मिलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस मैंशन में ना बहुत सारे वेपन्स वगैरह भी थे, तो मैंने एक आइडिया लगा लिया कि आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे ना मैंने वेपन सारे के सारे चुरा लिए थे, एंड अभी मैं इनको बेचने वाली हूँ फिर से पार्थ भाई को, एंड मैं अपनी स्किन में बेच चुकी हूँ क्योंकि वो उनसे पैसे लेने में अभी ठीक है यार इतना चलता है। तो अभी ना मैं बस ये वेट
करना है कि लोग आना स्टार्ट हो जाए, पार्थ भी आ जाए और उनको मैं चूना लगा के बहुत सारे पैसों में, मतलब बहुत सारे डायमंड्स लेके ये स्किन खरीदवा लूँ। लेट्स गो, आओ आओ दुनिया वालों, गाँव वालों, बहुत सारे वेपन्स लेके जाओ, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गन्स लेके जाओ। अरे रामू काका कैसे हो भाई, एक सेकंड में टिक्की से डायमंड निकाल लो। अच्छा ये पार्ट भी यहाँ पे, आ जाओ गाइस, वेपन्स ले लो, वेपन्स वेपन्स एकदम खतरनाक वाले वेपन्स ले लो, मिनी गन वगैरह सब ले लो। अब ये चुड़ैल कोई तुम्हें देखा हुआ लग रहा है, एक सेकंड में ए चुड़ैल वाली आप ही की बहन हो, समझे ज्यादा मत बोलो। अरे दीदी आप भाई गन्स का भंडार, ए एक देना भाई मैं, ठीक है देखो तो फ्री में लेने के लिए ना सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे, रुको एक सेकंड मेरे को बाहर निकलने दो। बाहर निकलो, सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, सिक्योरिटी। अरे अरे ओके ओके जा रहा हूँ, एक कट्टा मैं तेरे से गन्स खरीद लो, मेरे को कट्टा देना, एक फ्री में दे दे यार, एक ठीक है, एक फ्री में दे रही हूँ, ठीक है एक ही। और ये देखो इसकी, देखो ये बस इसका ना ये देखना आप, जब ये आता है ना तो उसकी बस ये देखो एनिमेशन भाई। ओ, भाई क्या घुमा के ला रहा है, ए ले ले भाई तू डायमंड ले ले ले। अरे कोई ना एक फ्री में लेके जाता, अब भी क्या याद रखोगे। अरे अरे ले, मैं सारे खरीद रहा हूँ भाई, सारे खरीद रहा हूँ, ले जल्दी निकाल निकाल। सारी स्किन ले रहे हो अब? हाँ सारी, इतने सारी, से सारी। काम नहीं चलेगा, और दो और डायमंड दो मेरे को। ये तो पीछे क्या फेंके थे भाई, कितने डायमंड है आपके पास? आप मेरी डायमंड चुरा के रखे हैं आपने वैसे। चल भाई तेरे पर डायमंड होगा तब करूंगा ना मैं। अच्छा अभी भी नहीं मान रहा, लेकिन इतने सारे डायमंड्स गाइस, गाइस मैंने ना सारे के सारे डायमंड्स अपने पास, ए और डायमंड्स हो, ए इतने चल निकल अभी, ठीक है सारे के सारे डायमंड्स, तो क्या उससे भी ज्यादा डायमंड्स वसूल कर लिए मैंने इनसे, तो हमारा तो प्रॉफिट हो चुका है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, अगर आपको मजा आया तो प्लीज हिट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब मैं आपसे मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बड़ी एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल में बस गए तू मेरे हार्ड ड्राइव, ओहो सब्सक्राइब टू क्यूई पाइस लाइव, सब्सक्राइब टू क्यूई पाइस लाइव।